हमने साथ दरख्वास्त लगाई हुई थी जो हमने पिछली थर्सडे को कोर्ट में मूव की कि जी बच्ची वालदैन को बारहा कह चुकी है कि वो वालदैन के पास घर आना चाहती है। इस हवाले से उसने वालदैन को खत भी लिखे हैं, उन खतूत की कॉपी भी हमने दस्ताब को जमा कराई, उसने बर्थडे कार्ड भी बना के अपने वालिद को दिया, उसकी भी कॉपी हमने दस्ताब को जमा कराई, जिसके एवज जज साहब ने जो है नोटिस किया आज की तारीख के लिए और सील्ड एनवेलप में शेल्टर होम से बच्ची की रजामंदी मंगवाई है कि क्या वो राजी है या नहीं वालदैन को ज्वाइन करने के लिए, जो कि सील्ड एनवेलप में जमा हो गई है। मगर जैसे बाजी के अंदर भी एक बहुत अफसोसनाक रवैया रहा है मुलजमान के वकीलों का कि वो इंटिमिडेट करते हैं और हरास करते हैं जज साहिबान को, जब भी उनको लगता है कि उनके फेवर में फैसला नहीं आ रहा वो चेंबर में घुसके किसी की बातें भी करते हैं या वो एप्लीकेशन मूव करते हैं। आज भी इन्होंने एक एप्लीकेशन पहले डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने मूव की कि जी ये केस ट्रांसफर किया जाए इस कोर्ट से, हमें इसमें भरोसा नहीं है। मगर डीजे साहब ने कहा कि जेंडर वायलेंस कोर्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट की वाहिद कोर्ट है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में केस ट्रांसफर करने का हाईकोर्ट का मैंडेट है, तो आपको कहीं ऐसा इशू तो हाईकोर्ट जाएगा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जो काम दुनिया के किसी कोने पर ना हो सकता हो वो काम सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। नाज़रीन, वो काम ये है कि आप बेटी पैदा करो, उसकी परवरिश करो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसको बड़ा करो, उसको अपने पैरों पर खड़ा करो। जब आपकी बेटी जवान हो जाए, यानी कि आपकी बेटी की उम्र 13 साल या 14 साल हो जाए, तो फिर एक दिन एक आवारा लड़का किसी गली से उठकर आए और आपकी बेटी को अगवा करके या घर से भगा कर ले जाए और फिर वो गली का आवारा लड़का आपकी बेटी से ज़बरदस्ती निकाह कर ले, उससे शादी करके उसका मालिक बन जाए। यानी कि जो लड़की आपके घर में पैदा हुई आपकी सगी औलाद हो, जिसको आपने 14 साल पाला पोसा हो, वही लड़की आपसे छीन ली जाए, माँ बाप से उनकी बेटी छीन ली जाए, गली का आवारा लड़का आपकी बेटी को घर से भगा कर उससे शादी करके उसका मालिक बन जाए और आपको गैर बना दिया जाए, लड़की के वालदैन को पराया बना दिया जाए। जिस बेटी को आपने 14 साल पाला पोसा उसी बेटी को 2 दिन पहले भगाने वाला लड़का उस लड़की का मालिक बन गया और जो माँ बाप मालिक थे उनसे उनकी बेटी छीन ली गई। और पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून भी मौजूद नहीं है कि माँ बाप को उनकी बेटी वापस दिलवाई जाए, भले लड़की खुद चीख चीख कर कहे कि मुझे आवारा नाम नहाद ज़बरदस्ती के शोहर के साथ नहीं रहना, मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है, माँ बाप के घर जाना है। जी हाँ नाज़रीन, ये काम सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है कि लड़की दुहाइयाँ दे रही है कि मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है, लेकिन हमारा कानून लड़की को अपने माँ बाप के पास भेजने की बजाय ये कह रहा है कि तुम अपने आवारा शोहर के साथ जाओ। नाज़रीन, दुआ ज़हरा पिछले 6 महीनों से कराची के शेल्टर होम में अपने माँ बाप को ख़त लिख रही है कि खुदा का वास्ता मुझे इस जेल से निकालें, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे घर ले जाएं। नाज़रीन, जब दुआ ज़हरा के माँ बाप बच्ची के लिखे गए ख़त अदालत में जज साहब के सामने लेके जाते हैं कि जज साहब ये देखें हमारी छोटी सी बच्ची आज़ादी की भीख मांग रही है, हमारी छोटी सी बच्ची अदालतों से इंसाफ मांग रही है, हमारे जिगर का टुकड़ा हमारे पास आना चाहता है, खुदा का वास्ता बच्ची को उसके माँ बाप के हवाले कर दिया जाए, वो हमारी सगी बेटी है, वो हमारा खून है, वो 13 साल की बच्ची परेशान है, दुखी है, खौफ में मुबतला है, उसको 6 महीनों से मुसलसल शेल्टर होम में कैद किया हुआ है, वो शेल्टर होम से कई खत लिख चुकी है, खुदारा हमारी मासूम बच्ची पर तरस खाएं। लेकिन नाज़रीन, अदालतों की जानब से लड़की के माँ बाप को ये कहा जाता है कि दुआ ज़हरा आपकी बेटी के साथ साथ वो किसी की बीवी भी है, यानी कि वो लड़की आपकी 13 साल की बेटी दुआ ज़हरा उस आवारा लड़के ज़हीर की बीवी भी है, वो भी यही कहता है कि मेरी बीवी को मेरे साथ भेजा जाए। जिस पर वालदैन ने जवाब दिया कि हमने अपनी लड़की को 14 साल पाला है, वो आवारा लड़का तो जुमा जुमा 8 दिन पहले आया था
उसने तो हमारी लड़की को घर से अगवा करके उससे जबरदस्ती शादी की थी। वो लड़का झूठ है, फ्रॉड है। आप उस लड़के की बात सुनने की बजाय लड़की से पूछ लें, हमारी बेटी दुआ जहरा से पूछ लें, उसको अदालत में अपने सामने पेश करें और उससे पूछ लें कि वो नाम नहाद शोहर के साथ जाना चाहती है या अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, ना तो बच्ची के लिखे गए खतों को माना जा रहा है और ना ही लड़की को अदालत में जज साहब के सामने पेश किया जा रहा है। बस किसी ना किसी तरीके से इस केस को घसीटा जा रहा है, लटकाया जा रहा है, बच्ची को और बच्ची के वालदैन को थकाया जा रहा है ताकि ये थक हार कर अपनी बच्ची उस आवारा लड़के जहीर के साथ भेज दें। लेकिन नाज़रीन, जब बच्ची अपने मुंह से खुद कह रही है कि मैंने अपने माँ बाप के पास, माँ बाप के घर जाना है, तो क्यों नहीं हमारी अदालतें ये फैसला सुनाती कि फौरन बच्ची को उसके माँ बाप के हवाले किया जाए। अगर अदालतों को बच्ची के लिखे गए खतों पर यकीन नहीं तो बच्ची को अदालत में बुलाकर अपने सामने खड़ा करके उससे कन्फर्म कर लिया जाए कि बच्ची किसके साथ जाना चाहती है। नाज़रीन, ये सिर्फ आधे घंटे का काम है, जो काम पिछले 6 महीनों से नहीं हो पा रहा। नाज़रीन, माँ बाप कैसे 6 महीनों से मुसलसल तड़प रहे होंगे और बेचारी मासूम बच्ची कैसे शेल्टर होम में जेल जैसी ज़िंदगी गुजार रही होगी। नाज़रीन, ये है हमारा पाकिस्तान और ये है हमारे पाकिस्तान का कानून और ये है हमारा निज़ाम इंसाफ। कैसे माँ बाप की सगी बेटी को उनसे छीन कर शेल्टर होम में बंद किया हुआ है। इस बात को तकरीबन 1 साल होने वाला है लेकिन इस केस का फैसला नहीं किया जा रहा। कभी कोई बहाना किया जाता है, कभी कोई बहाना किया जाता है। नाज़रीन, इसके पीछे वजह सिर्फ एक ही लगती है कि जो मुखालफ पार्टी है, जो लड़की का शोहर जहीर है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत का हाथ है जो पूरे पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम पर भारी बना हुआ है। नाज़रीन, आपकी इस सारे मामले पर क्या राय है, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ ही मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।